अनदर लवली मॉर्निंग इन कौसानी। जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे यहाँ वो तो हमें मिली गई, स्नो पीक्स के ऐसे क्लियर व्यू। अभी 7:15 बज रहे हैं यहाँ। हम लोग बहुत जल्दी 5:30 बजे उठ जाते हैं और यहाँ पर अपनी अपनी कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं बाहर। अरे गुड मॉर्निंग तो बोलिए आप। अरे गुड मॉर्निंग। हाँ, और बस ये देख करके ये तो अपना चलाने लगते हैं व्हाट्सएप। मैं कहती हूँ यहाँ आए हो ये देखने के लिए, ये देखो व्हाट्सएप बाद में भी करना। ये देखो छोटे वाले पहाड़ और उनके ऊपर बादल जैसे एक प्लेटू बना दिया और वो प्लेटू के ऊपर बर्फ वाले पहाड़। सो दो लेवल पर है, टू टीयर। कहाँ भाई, नीचे तो बादल है। नहीं वो तो लेक है, एकदम नीचे लेक। तो एक्चुअली थ्री टीयर लेक, लेक के ऊपर छोटे पहाड़, छोटे पहाड़ के ऊपर प्लेटू और प्लेटू के ऊपर स्नो कैप माउंटेन्स। वाह वाह, क्या बढ़िया से डिस्क्राइब किया है आपने, सो स्वीट। ये मिलिए हमारे मॉर्निंग विजिटर से, ये कहीं से घूमते हुए आ गए हैं और आके पता नहीं कैसे एकदम बैठ गए हैं, जैसे कि सोच रहे हैं कि ये हमारे हैं, इनको ले चलते हैं अपने साथ हम दिल्ली। पोज दे रहा है यार। आज हम कौसानी से चेकआउट कर रहे हैं। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको कौसानी का गांधी आश्रम और सुमित्रा नंदन पंत का म्यूज़ियम दिखाया था। इसके अलावा भी आप यहाँ आते हैं तो यहाँ और भी जगह घूमने की हैं। आप टी गार्डन जा सकते हैं जहाँ दिखाते हैं कि चाय कैसे बनती है, यू कैन बाय ऑल्सो टी फ्रॉम देयर। हम नहीं गए क्योंकि हमने वो पहले देखा हुआ था और वहाँ अभी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, सो इट वॉज़ वेरी डस्टी। और उसके अलावा यहाँ काफ़ी सारे शॉल वगैरह के शोरूम है, वेयर यू कैन सी हाउ दे मेक शॉल हियर एंड यू कैन बाय ऑल्सो फ्रॉम देयर। तो 10:30 बज गया है और सामान वगैरह हमारा सब लोड हो गया है गाड़ी में। हमारे ड्राइवर साहब अब बैठने जा रहे हैं, नहीं अभी तो चेक करेंगे ना। तो वी आर ऑल सेट टू लीव फ्रॉम कौसानी। तो हम बाय बोलते हैं कौसानी को और यहाँ के सुंदर नज़ारों को। ऑल सेट, बैठा जाए। चलो गिव मी द कीज़ एंड से बाय टू एवरीबडी। बाय बाय। और ये है छोटा सा कौसानी का मार्केट। हमारा प्लान है यहाँ से रानीखेत जाने का, रास्ते में द्वारहाट होते हुए इफ पॉसिबल लेफ्ट में रोक लो। यहाँ मार्केट में रुक के हमने कोशिश की कि हमें एटीएम से पैसे मिल जाएं, जो कि नहीं मिले। पिछले 2 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, एटीएम तो है लेकिन पैसे नहीं है। और कौसानी से निकल के 15 मिनट में हम पहुँच गए सोमेश्वर, छोटा सा कस्बा यहाँ का सुंदर सा। तो ये है सोमेश्वर वैली, बहुत ही खूबसूरत है। रानीखेत जाते जाते हमने डिटूर ले लिया है द्वारहाट का और प्लान है हमारा द्वारहाट से थोड़ा आगे जाके एक माता का मंदिर है दूनागिरी टेम्पल, वहाँ तक जाने का। और हम इतनी बार रानीखेत आए हैं और मैं इनसे बोलती भी थी कि चलो द्वारहाट होके आए, लेकिन कभी हम लोगों का इधर आने का हुआ नहीं। 4-4 दिन 5-5 दिन हम लोग रानीखेत से ही रह के फिर कहीं और निकल जाते थे। तो पहली बार आए हैं हम लोग इधर। बड़ी सुंदर ड्राइव है, ट्रैफिक भी कम है और ग्रीनरी तो खैर खूब है। बहुत डेंस फॉरेस्ट दिख रहे हैं और वैसे तो सब तरफ चीड़ के पेड़ नहीं है, ये देखिए। पूरी ड्राइव ही इतनी सुंदर है, दोनों तरफ पाइन ट्रीज और उसके बीच में हम चले जा रहे हैं। This is really beautiful. What a drive. हाँ यार, one of the most beautiful drive of this trip. और आप आ ही नहीं रहे थे, कितनी बार बोलती थी मैं, मना कर देते थे। इसीलिए कहती हूँ कि मेरा कहना मानो तो सुखी रहोगे। वो जब सही टाइम आएगा तभी मानता हूँ। हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास।
गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है और अब इसके आगे थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा सीढ़ी चढ़ के। और हमें तो लगा ये भजन चल रहा है, लेकिन यहाँ तो सावन की झड़ी लगी हुई है। जय माता दी। यहाँ पे इसे द्रोणागिरी भी कहते हैं और दूनागिरी भी कहते हैं। यहाँ लिखा है द्रोणागिरी और ये लिखा है इस पे दूनागिरी। चलिए माँ का नाम लेके चढ़ना शुरू करते हैं। ये है सीढ़ियाँ मंदिर में जाने की। पता किया कितनी सीढ़ियाँ भैया? 500 501। ये हमने पता किया तो बताया 501 सीढ़ियाँ हैं। पता नहीं हम शायद 100 आए होंगे। 100 आ चुके। घंटे पूरी सीढ़ी पर ही लगे हुए हैं। 150 सीढ़ी चढ़ के हम लोग थोड़ा यहाँ पे बेंच है सुस्ता रहे हैं, यहाँ रेस्ट करके बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ तो काफ़ी स्टीप सीढ़ियाँ हैं और आगे भी स्टीप हैं, क्योंकि नीचे से हमने जाना है 8000 फीट पे। स्ट्रेट मतलब स्टीप स्लोप। और किसने हमें बोला कि 200-300 हैं, उनको तो मैं बताती हूँ वापस आकर के। और बोल मार्बल है आगे, और बोला था मार्बल की सीढ़ियाँ हैं। कहाँ गए थे आप पंत भाई साहब? न मार्बल ना 200, टोटल 501। तो अभी पता चला कि 70 स्टेप्स और बची हैं। बड़ी खुशी हुई जान के, जान में जान आई कि काफ़ी आ गए अब तो हम। और ये देखिए कितना सुंदर लगा है, रास्ते में लोगों ने रंग बिरंगी चुनरी बांधी हुई है पेड़ों पर। ऑलमोस्ट देयर। इस गेट को हम दूर से देख के बड़े खुश हो रहे थे कि अब हम पहुंच गए मंदिर पे, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि अभी तो और लगता है थोड़ा चलना है। चलिए कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ तक आ गए तो अब थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। तो हम तो इधर से आए तो सोचे अब पहुँच गए, लेकिन अभी तो और सीढ़ियाँ दिख रही हैं, चलते हैं। तो भाई एट लास्ट हम ऊपर पहुँच ही गए मंदिर पर, और अभी ऊपर आए हैं तो थोड़ा सोच रहे हैं कि आराम करके नज़ारे तो पहले सब तरफ देख ही लें कि व्यू कैसा है। और ये देखिए मंदिर कितना सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ करके। अंदर तो फोटोग्राफी नहीं अलाउड है, इसलिए बाहर से हम आपको जितना दिखा सकते हैं वो दिखा दे रहे हैं। चलते हैं, अब दर्शन करके आते हैं। तो हम दूनागिरी मंदिर में हैं अभी। 501 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं यहाँ आने के लिए, और ये मंदिर 8000 फीट की ऊंचाई पर है। हम दर्शन करके आ गए हैं। मंदिर के अंदर एज सच फोटोग्राफी आजकल नहीं अलाउड है, तो अंदर की मैंने तो फोटो नहीं ली है। इस मंदिर को कुमायूं का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना शक्तिपीठ माना जाता है। कहते हैं कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो कुछ दिन उन्होंने यहाँ भी बिताए थे। द्रोणाचार्य ने भी यहाँ तपस्या की थी। जब लक्ष्मण जी लंका में मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी उनके लिए हिमालय से जड़ी बूटी लेने आए थे और पूरा द्रोण पर्वत ही यहाँ से लेके जा रहे थे, तो उसका एक खंड यहाँ पे गिर गया था और उसी के नाम पर इसका नाम दूनागिरी पड़ा है। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। Thank you.
वापस जा रहे हैं और सीढ़ी की जगह हम इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एकदम व्यू एंजॉय करते हुए हम निकल रहे हैं। इनफैक्ट हम जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो उस समय बारिश भी होने लगी थी, तो यहाँ ये अच्छा किया इन्होंने, सीढ़ियाँ पूरी कवर्ड हैं तो बारिश वारिश होती रहे आप आराम से जा सकते हैं, और व्यू एंजॉय करना हो तो थोड़ा ऐसे रास्ते पे चल लीजिए। तो शायद आए हैं ना यहाँ एक बार? शायद मैं आया हूँ 97 में। 97 याद नहीं है, लेकिन तब ये रास्ता था सीढ़ी का? सीढ़ी का तो नहीं था, मेरी हम लोग इस रास्ते से आए थे इधर से। हाँ मेरा लेकिन पहला विजिट है यहाँ पे। वैसे इस तरफ से जाने में ना मज़ा तो बहुत आ रहा है ना, और क्योंकि खुला हुआ आसमान दिख रहा है, व्यू बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और छोटी छोटी चिड़िया हैं जो पास से देखने को मिली, और इतने सारे पेड़ हैं जिन्हें हम पास से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब तो देखिए आगे रास्ता थोड़ा और ख़राब नज़र आ रहा है, और लग रहा है बारिश भी होने वाली है। तो भाई भीगना नहीं चाहते हैं, दौड़ के हम आ गए अंदर। अब हम सीढ़ी से नीचे जाएंगे जिस पर की शेड है। नीचे उतरते हुए तो अच्छा है, दौड़ते हुए चले जा सकते हैं, ऊपर जाने में हालत ख़राब हो गई थी। जस्ट लव दिस कलरफुल शॉप्स, सभी मंदिरों के पास ऐसी छोटी छोटी दुकानें होती हैं। और ये लीजिए हम नीचे पहुंच गए, बेंचेस लगी हैं नीचे, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आके बेंच पे आराम कर सकते हैं। ये है यहाँ का छोटा सा कस्बा, यहाँ 3-4 ढाबे हैं, तो ऑफकोर्स इतना चलने के बाद भूख लग जाती है, तो यहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं। देखिए जैसे हमारी गाड़ी को किसी ड्राइवर टैक्सी वाले ने ब्लॉक कर दिया है, जो अपनी गाड़ी को हमारी कार के सामने पार्क करके यहीं किसी ढाबे में खा रहा होगा। तो चलती हूँ, अब पहले उसको ढूंढ के लाती हूँ। तो दर्शन करके अब हम वापस चल रहे हैं रानीखेत की तरफ, और सही में बहुत ही सुंदर जगह थी। हवा में कुछ खास बात थी, क्या बोलते हैं ओनर, क्या बोले, बाउंस बाउंस, हाँ कह सकते हैं, हवा में एक बाउंस जैसा था, कहीं बाउंस से उछल के गिर मत जाना। और यहाँ रास्ते में व्यू इतना सुंदर लगा कि हम अपने को रोक नहीं पाए, और मैंने इनको बोला जरा गाड़ी थोड़ी देर रोको, यहाँ से उतर के व्यू देखते हैं। और आसमान में पूरे काले काले बादल, इतनी शांत जगह है। तो अब चलते हैं, गाड़ी में बैठे जल्दी, लगता है बारिश आने वाली है जोर से, होने लगी है बारिश। ये यहाँ पे मुझे इतना सुंदर है, बारिश के साथ ही ओले भी पड़ने लगे हैं। तो पहले मैंने सोचा था जाते हुए यहाँ पे इतना सुंदर लगा था, तो हमने सोचा था हम वापस आएंगे दर्शन करके, तो यहाँ पे उतर करके यहाँ पे फ़ोटो लेंगे, थोड़ी देर वॉक वगैरह करेंगे, लेकिन अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या सड़क और क्या ड्राइव, ये देखो क्या कहते हैं इसे, धूप भी है और बारिश भी हो रही है, और अच्छी बारिश, जब से हम लोग चले हैं, इनफैक्ट अच्छा हुआ हम दर्शन करके आए, उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी में बैठने लगे थे तब से ही बारिश शुरू हो गई। चीड़ के पेड़ देख के समझ ही जाते हैं कि पहुंच रहे हैं अब हम रानीखेत। सबसे पहले तो इतने सारे चीड़ के पेड़ मैंने यहीं देखे थे, इस बार तो खैर हर जगह ही दिखे हैं। हम रानीखेत से 3-4 किलोमीटर आगे जाकर एक जगह है चिलिया नौला, वहाँ आज हम रात में रुकेंगे। तो बस 10 मिनट में ही हम अपने होटल पहुँचने वाले हैं। रास्ते में बारिश हो गई थी खूब, लेकिन अब जैसे हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं तो बारिश वारिश रुक गई है और खूब अच्छी धूप निकल आई है। और ये लीजिए पहुंच गए हम चिलिया नौला के KMVN के होटल में, और हम जब भी यहाँ आते हैं हम यहीं पे रुकते हैं, और हमने बस जस्ट अभी चेक इन किया है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। बैक में गार्डन है बहुत सुंदर, और अभी बहुत अच्छे फूल लग रहे हैं, तो यहाँ आ कर के आपको यहाँ से नज़ारा दिखा रही हूँ। वो है चिलिया नौला का छोटा सा शहर या कस्बा। यहाँ रूम्स कई कैटेगरी के हैं, काफ़ी बड़ा होटल है ये, 4 बेडेड रूम्स भी हैं
और ये जो सामने आप देख रहे हैं इसमें जो टॉप फ्लोर पे रूम है उन्हें एग्जीक्यूटिव रूम कहा जाता है, जिससे एकदम ऊपर है वो, तो वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। और उसके नीचे है सुपर डिलक्स रूम्स हैं, उनसे भी व्यू अच्छा है, और लेकिन हाँ टॉप से तो खैर बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। अगर वेदर क्लियर हो तो यहाँ से, ये मेरे पीछे अभी आप बादल देख रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ से सारे स्नो पीक्स बहुत ही क्लियर नज़र आते हैं। तो होपफुली कल मॉर्निंग में अगर वेदर खुलता है तो हम यहाँ से स्नो पीक्स देख सकते हैं, अगर नहीं भी खुलता है तो हम अब इसके पहले चकोड़ी और कौसानी होते हुए आए हैं जहाँ से हमें बहुत ही सुंदर स्नो पीक्स दिखे थे, और यहाँ से अगर नहीं भी दिखता है मौसम को देख के तो लग रहा है कि बादल ही रहेगा। तो इसका भी अपना ही एक मज़ा है मॉनसून में आने का, सवेरे तो इतना अच्छा लगता है कि बादल जैसे कमरे में ही घुस आएंगे। अरे वाह, इसमें तो एक छोटा सा सिटिंग रूम भी है। यहाँ पर हमने लिया है एग्जीक्यूटिव रूम जो कि सेकंड फ्लोर पर है, और आफ्टर 25% डिस्काउंट ये पड़ा है हमें 2800 रुपीज़ का। मील्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ये देखिए व्यू यहाँ से कितना अच्छा है, अभी तो क्लाउडी है लेकिन अगर सवेरे मौसम साफ होगा तो हमें यहीं से सारे स्नो पीक्स नज़र आ जाएंगे। अभी तो हमने बस चेक इन किया है तो अब हम जा रहे हैं रिलैक्स करने, और कल हम यहाँ से निकलेंगे घूमने और आपको भी अपने साथ रानीखेत दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दे दीजिए, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ इन सुंदर जगहों की सैर करते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।